आंशिक छाया में नम अच्छी तरह से सूखा मिट्टी में इम्पेटियंस सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दिन के दौरान या सुबह के सूरज और दोपहर की छाया के दौरान 2 से 4 घंटे फिल्टर्ड सूरज प्राप्त होना आमतौर पर आदर्श होती है। इम्पेटियंस को भारी छाया में भी उगाया जा सकता है। पौधा बढ़ेगा लेकिन ज्यादा फूल नहीं खिलेंगे। पौधे की मिट्टी को नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी दे, लेकिन सावधान रहे कि अधिक पानी ना डालें। बढ़ते मौसम के दौरान फूल खिलने को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से खाद डालें। फिलोडेंड्रन झानाडू के लिए सबसे अच्छा संभव स्थान खिड़की के पास होता है, लेकिन ध्यान रखें कि सूरज की रोशनी सीधे पत्ते पर नहीं पड़े। बहुत अधिक धूप के कारण पत्तियां पीली हो सकती है। पीली मृत या मरने वाली पत्तियों को नियमित रूप से हटा दें। पिंच प्लांट नम मिट्टी में सबसे अच्छा होते हैं। इन्हें धूप वाली खिड़की में बढ़ने का मजा मिलता है। पिंच प्लांट को पानी देने का सबसे अच्छा नियम यह है कि जब भी शीर्ष 2 इंच मिट्टी सूखी महसूस हो तो अपने पौधे को पानी पिलाएं। ध्यान रखें, बहुत कम पानी के कारण हाइड्रेशन की कमी हो सकती है, जिससे पत्तियां अपना रंग खो सकती है। ये 7 प्रकार के कम रोशनी वाले इंडोर पौधे हैं जो सीधे धूप के बिना और न्यूनतम देखभाल के साथ घर के अंदर पनपते हैं। पौधों की जानकारी को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।